दोस्तों, अगर आप जी कैम इंस्टॉल करना चाहते हो अपने पोको एक्स टू डिवाइस में, तो कैसे इंस्टॉल करना है, कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है, तो मैं बताऊंगा पूरा इसी वीडियो में, बने रहिए अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईश्वर। आज हम लोग बात करेंगे जी कैम के बारे में कि जी कैम आप पोको एक्स टू मोबाइल में क्यों इंस्टॉल करें और क्यों, आखिर क्या इसके फायदे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पोको एक्स टू मोबाइल बहुत ही अच्छा हाई एंड कैमरे सेटिंग्स के साथ आता है, बहुत ही अच्छे कैमरे के साथ आता है। इसमें कैमरा सेंसर जो है वो सोनी का IMX686 जो है उसका उपयोग किया गया है, इसमें सेंसर उपयोग किया गया है, और 64 मेगापिक्सल का कैमरा, तो काफ़ी अच्छा जो है इमेज आती है। लेकिन इसकी इमेज प्रोसेसिंग थोड़ी सी दोस्तों ख़राब तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो है सेचुरेशन लेवल को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे कि सब चीज़ें कुछ ज़्यादा ही चमकीली नज़र आती है। आप किसी भी ग्रीन पौधे की फ़ोटो खींचोगे तो इतना ज़्यादा ग्रीन कर देगा कि वो उसका डिटेल्स खोल देता है। आप जैसे जूम करके देखोगे तो उसमें डिटेल्स नज़र आपको नहीं आएगा। लेकिन इसी को अगर आप ठीक करना चाहते हो तो आपको पता है कि iOS में जो है iOS का जो है कैमरा, यानी एप्पल के फ़ोनों का कैमरा और गूगल का कैमरा, जी हाँ दोस्तों, गूगल का कैमरा दोनों बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ तक कि बहुत बार तो जो है गूगल का कैमरा iOS के कैमरे को भी मात दे चुका है बहुत सारे ऐसे जो है सिनेरियो में। दोस्तों, बात कर लेते हैं अगर गूगल के इमेज प्रोसेसिंग की, तो उसमें बहुत अच्छा इमेज प्रोसेसिंग होता है, क्योंकि उसका जो एप्लीकेशन और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा है। उसके जो डेवलपर्स हैं वो लोग इस तरह से इसको डिजाइन करते हैं कि ना आपका पिक्चर ज़्यादा ओवर सेचुरेटेड लगे, ना अंडर सेचुरेटेड लगे, आपको इमेज अच्छी लगे। और अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है गूगल की इमेजेस। जिनको पता है, जो टेक वर्ल्ड से जुड़े हैं, उनको पता होगा कि गूगल पिक्सल के फ़ोन्स की जो पिक्चर क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होती है। तो दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करते, सीधा चलते हैं कि कैसे आपको इंस्टॉल करना। तो इसका जो है इंस्टॉल का जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो फिलहाल मैं बता रहा हूं प्रोसेस कि आपको करना कैसे है। तो दोस्तों, उसके लिए आप लोगों को पहले गूगल क्रोम खोलना होगा, तो मैं लिंक दे दूंगा, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ से बस नीचे स्लाइड करना है। जैसे नीचे स्लाइड करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है निकिता NGCAM 7.4। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे दो तरह के, एक है स्नैपकैम, एक है जीकैम। आपको नीचे में यहाँ पे दिया गया है कि आपको इसमें क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, आपको स्नैपकैम दिया गया है और जीकैम दिया गया है, तो आपको जीकैम पे टैप करना है। जब जैसे जीकैम पे टैप करोगे, देखिए आपको फाइल डाउनलोड हो जाएगा। ये 123 MB का फाइल है, तो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिए, डाउनलोड स्पीड काफ़ी अच्छा है। तो ये फाइल हो चुका है डाउनलोड, तो आप देखते हैं डाउनलोड करने के बाद इसको फिर देखते हैं। तो पहले देखिए, ये हो गया है डाउनलोड, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फाइल हो चुका है डाउनलोड। अब चलते हैं हम लोग फाइल मैनेजर पे। तो फाइल मैनेजर पे हम डाउनलोड वाले सेक्शन में जाएंगे, जहाँ पे ये क्रोम से डाउनलोड हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर यहाँ पे डाउनलोड कहाँ हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सभी वर्जन, तीनों वर्जन को यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है। तो इसमें से ये वाला वर्जन काफ़ी अच्छा है, मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा डायरेक्ट, क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि मतलब आपको अच्छा सा जो है एक अच्छा कैमरा का मिले एप्लीकेशन, इसलिए मैं सभी वर्जन को चेक कर रहा था। तो फिर ये हो चुका है इंस्टॉल। तो देखिए, ये कैमरा का एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल हो चुका है। इसको करते हैं ओपन। जैसे इसको ओपन कीजिएगा, ये परमिशन मांगेगा, तो इसको अलाउ कर देना है, पूरा आप अलाउ कर दीजिए। ये गूगल का कैम है, गूगल कैम है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए, आपको वीडियो मोड मिलेगा। यहाँ पे मोड का ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे कैमरा का ये पोर्ट्रेट मोड हो गया, पोर्ट्रेट फोटो क्लिक कर सकते हैं आप ऊपर से स्लाइड करके। यहाँ पे देखिए, ऊपर वाले एरो से आप यहाँ पे ढेरों चीज़ कर सकते हैं, फ्लैश ऑफ ऑन कर सकते हैं, वाइट बैलेंस जो है मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से सेटिंग में जाना है, आपको कुछ सेटिंग चेंजेस करने हैं, तो आपको सेटिंग में जाकर के सबसे पहले क्या करना है, ये अगर अपना ग्लेड यूज करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये स्टेबलाइजेशन ऑन कर दीजिए। उसके बाद आपको एडवांस सेटिंग में जाना है। एडवांस में जाकरने के बाद आप HDR कंट्रोल ये सब को ऑन कर दीजिए। इसमें क्या, पिक्चर की क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। आप ये सब ऑन कर दीजिए, ठीक है। जब आप इसे ऑन कर दोगे पूरी तरीके से, ये DCM फाइल, इसलिए कि मतलब इसके लिए अलग से कोई फाइल ना बन जाए, कि उसी फाइल में सेव हो, तो उसमें खोजने में आपको परेशानी कम हो सकती है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बैक हो जाते हैं। देखिए, कैमरे की सेटिंग्स नीचे में और ज़्यादा है। ये पोर्ट्रेट मोड है, ये नाइट मोड आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप जो है रात के समय पिक्चर क्लिक कर सकते हो। तो चलिए पिक्चर क्लिक करके दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये ग्रीन ग्रीन वाला है। तो सबसे पहले मैं अपने फ़ोन की कैमरे की सेटिंग्स मतलब पिक्चर क्लिक करूँगा। मैंने फ़ोन के इससे किया है, जो बाय डिफ़ॉल्ट कैमरा आता है उससे किया। अब मैं गूगल के कैमरे से कर रहा हूँ। तो देखिए, मैंने इससे भी कर दिया क्लिक। तो देखिए, इसमें क्लिक करने से क्या होता है कि आप इसमें, इसके ऊपर में ही सेटिंग दिया गया है पूरा। आप इसमें वाइट बैलेंस जो है ऐड कर सकते हो, मतलब एडजस्ट कर सकते हो, इसके जो है ब्राइटनेस लेवल को कर सकते हो एडजस्ट, या जूम कर सकते हो यहीं से। तो ये काफ़ी फीचर मुझे अच्छा लगता है। तो आपने ये दोनों पिक्चर को जो देख रहे हो, ये दोनों पिक्चर जो है एक
खींचा गया है आपका मोबाइल के डिफॉल्ट कैमरा से, ये जीकेएम से खींचा गया है। तो आप पिक्चर को देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि मोबाइल के कैमरे में जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेचुरेशन लेवल जो है बढ़ा हुआ है, जिसके कारण से डिटेल सही से नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जीकेएम इसमें परफेक्टली जो है इसमें वर्क किया है और देखिए आपको बहुत ही अच्छा सा आउटपुट मिला है। इसकी इमेज प्रोसेसिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, आपको देखने को मिलेगी होगा। आप इस प्रोसेस को फॉलो करके इंस्टॉल कर सकते हो और क्लिक कर सकते हो अमेजिंग अमेजिंग फोटोज़। और नीचे आप कमेंट करके बताना कि क्या आपको ये गूगल कैम कैसा लगा और क्या आप इसका उपयोग करने वाले हो, हाँ या नहीं। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी गूगल कैम का आनंद उठा सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज़ आपको आगे देखने को मिलेगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।